तो हाय जैसे तमें तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आप पहुंचे हैं कहां पर, आप पहुंचे हैं हम आदमखोर वाली लोकेशन पर, आप लोगों की बहुत 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 ज्यादा डिमांड करने पर। और मैंने भी दुबे से इंसिस्ट किया कि नहीं यार, पब्लिक की इतनी ज्यादा डिमांड है तो हम चलते हैं आदमखोर वाली लोकेशन पर। और हम आए हैं आदमखोर वाली लोकेशन पर इस यहाँ पर 24 आवर चैलेंज करने के लिए इन कार। और कार में बता दूं, दो भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, कॉन्ग्रेचुलेट हिम, थैंक यू सो मच। और कौन सी गाड़ी खरीदी है उसका व्लॉग आप लोगों को इसके चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहे हैं अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड करने के बाद अभी, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को, मैंने भी इसको इंसिस्ट किया था तो मेरे को ये नहीं पता था कि, मेरे को लगा था 1-2 दिन में मैं मनाऊंगा इसको फिर चलेंगे उस लोकेशन पर वीडियो बनाने के लिए। बट इसका सडनली फोन आया सुबह और बोला कि भाई चल अब चल रहे हैं उस लोकेशन में वीडियो बनाने के लिए। तो इसने मेरे को नहाने भी नहीं दिया, कह रहा नहीं अभी चलना है भाई, अभी चलना है। और अभी हम आ गए सुबह और ये भी नहाके नहीं आया, तो आग तो गए हैं हम। और अब हमारा यही है कि हम अपना खाना पीने का जो भी सामान है, थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह है और ले जाएंगे। सामने ट्यूबवेल चल रहा है पर हम कार तो नहीं सकते, हाँ उतर नहीं सकते। पानी वानी देख लो, हम पानी अपने साथ लेके आए 2 लीटर का कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो रहेंगे हम गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि आदमखोर की इस लोकेशन पर आज आदमखोर क्या करता है हमारे साथ। मे बी हम जिंदा बच जाए, यही भगवान से दुआ है। बचेंगे क्योंकि तो शादी करवानी है अभी। एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा वीडियो को लेकर कि पहली बार ऐसा होने वाला है कि इस लोकेशन पर 24 आवर चैलेंज होने जा रहा है। क्योंकि ऐसा ना कि ये लोकेशन किसी को पता नहीं है और हम बताते भी नहीं है, हम बताते भी नहीं है। कई चैनल ऐसे हैं वो आएंगे अरे कुछ नहीं है आदमखोर, अगर कुछ हो भी गया तो वो क्लिप डालेंगे। और काफी सारे ऐसे चैनल है जिनके बारे में बात नहीं करूंगा, छोड़ो यार बात ही नहीं करनी उनके बारे में। अरे यार एक फालतू चैनल है जो बहुत ज्यादा, मतलब फालतू कमेंट करते हैं। फालतू पता क्या, जितने भी ये फालतू वाले होते हैं ना, पता अगर एक ये स्ट्राइक दे दे, एक मैक स्ट्राइक दे दूं, एक मैं दीपी हमसे दिलवा दूं, ये आरके बके भाई ने उनसे दिलवा दूं, तो चैनल ऑलमोस्ट उसका बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, 3 स्ट्राइक आते ही। और मैंने मम्मी से नहीं बोला, तो मैं कल ऐसा कल टेंशन में बैठा हुआ था मम्मी से, मम्मी मेरी कह रही कि क्या हुआ। मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं, ऐसे चैनल वाला है हमारे बारे में ना, हमारी वीडियो के बारे में गलत गलत बोलता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पब्लिक भी सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में वो हमें, मतलब वीडियो बनाकर बोलता है कि फेक कर रहे हैं ये करे। तो मम्मी ने मेरी एक डायलॉग मार दिया और वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मम्मी ने बोला तू अपना काम कर, हमारे यहाँ कहावत है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मैंने कहा मम्मी यू आर राइट, अब हमें उनकी तरफ फोकस नहीं करना है, हम बस अपना काम करेंगे और पब्लिक देख रही है हम कैसी वीडियो बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो फेक है या नहीं है, या फालतू चैनल वालों को बोलने दो। तो अब हमारा यही है, इस लोकेशन पर बैठे हैं, चिप्स खा रहा है, चिप्स नहीं पापड़ा, पापड़ा नो गुजरात में, तो देखते हैं। मैं इसको मुंबई में बोलते हैं चकली, चकली बोलते हैं, ये चकली चकली है। कौन सा स्पेस पे ये मिला यहाँ पे, इससे आसपास कुछ है ही नहीं। फोन आ गया तो पहले बात में बात करिए, रुक जाएगी मिनट भैया। तो अभी हम देखते हैं क्या होने होता है हमारे साथ। और अभी हम 24 आवर चैलेंज करने जा रहे हैं। वीडियो को प्लीज 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 शेयर कर दो, लाइक कर दो अभी से, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के अभी तक सब्सक्राइब कर दो। और आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेगी, खतरनाक खतरनाक, जिसमें हम अपनी जान का जोखिम उठाते रहते हैं यार, हमारा तो अब आदत हो गई है ऐसे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। ये भुक्कड़ की तरह देखो लगा पड़ा है। आराम से भाई, अपने को एक पूरा दिन रहना है। तो ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है, तकरीबन 11:30 हो रहे हैं। और ये भाई तो सो गए क्योंकि ये सुबह सुबह जल्दी उठता है। और यहाँ पर आ गए हम लोग, मैं को भी जल्दी उठा के ले आया, नींद मेरे को भी आ रही है बट जगा हुआ मैं, और ये भाई साहब सो रहे हैं। बस यही होता है यार 24 आवर चैलेंज में हमारा, बस यही होता है कि यार हम करेंगे क्या। रात का तो चलो समझ में आता है कि हम उस चीज़ को नोटिस करते रहेंगे कि जो चीज़ हमको हार्म पहुँचा रही है या जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, उसको नोटिस करते रहेंगे। बट दिन, पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल है,
और सबसे बड़ी बात पता है कि अभी इसने नई गाड़ी लिया ना, तो अभी इसमें चार्जिंग वार्जिंग का सिस्टम नहीं है, तो अभी हमारा फोन भी ऑलमोस्ट डेड होने को है, तो पता नहीं कैसे निकलेगा पूरा दिन। ये भाई तो सो के निकाल रहे अपना पूरा दिन। इसने काली नदी में भी ऐसे ही किया था। तो ऑलमोस्ट अब अंधेरा होने को है और मैंने गाड़ी का एसी ऑन कर रखा है, क्योंकि पूरा दिन इतना जो धूप पड़ी है ना हमारे पास, तो गर्मी लग रही थी इतनी ज़्यादा कि मैं एसी ऑन करके बैठा हुआ हूँ और इसको अभी तक सो ही रहा है, इसको ठंड लग रही है। सच बताऊँ तो अब धीरे धीरे ना एक अंदर का डर बाहर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, हमें डर है कि शायद, हमें तो नहीं लेकिन अभी मुझे ही है, ये तो सो रहा है, इसका तो क्या ही बताऊँ। तो मुझे डर है कि वो जो एक आदमखोर का खतरा है, कहीं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये सर तो सोए हुए हैं। ओम ओम देखते हैं, अंधेरा होने का वेट करते हैं, फिर असली कहानी शुरू होगी और मे भी भिड़ंत होगी हमारी आलमखोर से, देखते हैं क्या होता है रात में। सो लेट्स सी, और बने रहो वीडियो के आखिर तक। एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि सुबह मतलब 8 बजे से लगभग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट लगभग शाम के 5-6 बज रहे हैं, अंधेरा ऑलमोस्ट होने को है और अभी तक मैं नहीं सोया हूँ, और चेहरे से मेरे पता चल रहा होगा कि मेरे को नींद आ रही है और ये भाई साहब सो रहे हैं, तो देखते हैं रात में क्या होता है। अगर आप लोगों को बाहर दिख रहा हो तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है और लगभग थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा, और सच बताऊँ तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ चुका है कि हम लोगों ने तो पूरा डिसाइड करा हुआ है कि यार हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, क्योंकि हमारा एक चैलेंज भी है कि हम ये जो चैलेंज है गाड़ी के अंदर ही करेंगे, और बस यही है कि हम किसी भी तरह ये चैलेंज अपना पूरा कंप्लीट करें और यहाँ से पूरी तरह सेफ बाहर निकल जाए, बस मेरी तो अभी यही दुआ है। क्योंकि एक तो यार मैं ऐसे चैलेंजेस बहुत कम उठाता हूँ, मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जितनी बार भी हम आए हैं बहुत ज़्यादा रिस्क हमें हुआ है, और ऐसी जगह पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड पर और इतना ज़्यादा आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया 10-24 आवर चैलेंज आदमखोर लोकेशन आदमखोर लोकेशन, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद हम आ चुके हैं इस लोकेशन पर, और सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। बस यही है कि हम यहाँ से ज़िंदा वापस निकल जाएं, वो ही बहुत बड़ी बात होगी, बाकी आदमखोर दिखता है नहीं दिखता है वो तो खैर अलग बात है, मेरे को डर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और उनके मन में भी बस यही है कि यार रात में बस कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, सोते टाइम कुछ गलत ना हो, क्योंकि सोते टाइम यार मेरा पता क्या था कि मैं पूरे दिन सोया, क्योंकि मैं पूरी रात जगूंगा, मेरा ये था। हाँ, इसका इसने मेरे को जब उठा तो मेरे को बाद में ये बोला, मैंने कहा भाई तू क्यों सो रहा है इतना, तो ये कह रहा है यार पता है क्या कि दिन में तो चल हमारा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमें आजू बाजू में दिख रहा है कि खेतों में कोई लोग काम कर रहे हैं, बट जब हम रात में यहाँ पर होंगे और हमारे आसपास में कोई भी नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा खतरा होगा कि लाइक हमें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो इसने ये बोला कि मैं पूरा दिन इसलिए सोया हूँ कि रात में जाग सकूँ और एटलीस्ट थोड़ी नज़र रख सकूँ चारों तरफ कि कोई हम पर हमला करे, तो जब हम अब जान बचाने के लिए एटलीस्ट हम अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल के और मतलब तुरंत भाग जाएं। हाँ, आगे पीछे कर ले, हमारा चैलेंज तो ये कि हम कार में रहेंगे, कार से उतरेंगे, कार आगे पीछे कर सकते हैं, हमारा ये तो है, बट हमारा ट्राई होगा, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि हम यहीं पे ही रुके, यहीं पर रुके, पूरा 100% हमारा ट्राई यही है कि हम यहीं पर रुकेंगे। थोड़ा ये जो पीछे आपको झाड़ी दिख रही है ना, वो दूर की तरफ, इधर की तरफ से वो आदम को निकल के आता है, ये पूरा जंगल है और ये जंगल ना बहुत दूर तक फैला हुआ है, जितना दूर तक दिखा हुआ बहुत दूर तक फैला हुआ है। कम से कम भी तो ये बात करें ना, तो यार कम से कम भी जब रोड की बात करूँ तो मैं तो ये 8-9 किलोमीटर का रोड है जो उसके बीच में से गया हुआ है, जंगल के बीच में से,
9 किलोमीटर का, और जंगल कितना चौड़ा है कितना फैला वो तो दूर की बात है, जो उसके बीच में एक रोड गया हुआ, हम रोड दिखाएंगे आज वीडियो में दिखाते हैं वो रोड है ना। और एक जो हमने डे पार्ट डाला था ना, वो हमने वो पार्ट डाला था कि जो हम जंगल के बैक साइड से आए थे तब का वो पार्ट था, हमने बोला कि नहीं बैक साइड से हम नहीं आएंगे, हम फ्रंट साइड से आएंगे जहाँ से वो हमेशा बाहर निकलता है, क्योंकि जब हम अक्सर वो बाहर इधर से निकलता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर खेत वेत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लोगों ने ना अनाज बोए हैं, कुछ बोए हैं, तो यहाँ पे जैसे कोई जंगली जानवर जैसे नीलगाय है या जंगली सुअर है ये सब आते हैं ना, तो वो उन लोगों को मारने के लिए उनको खाने के लिए वो बाहर आता है, क्योंकि बैक साइड में क्या है कि बैक साइड में कुछ भी नहीं है, एक मेरे ख्याल से छोटा नाला सा है शायद, दूर की तरफ है, बहुत दूर है, और वो इस साइड से उसका निकलने का मेन मकसद यही होता है कि वो इस साइड में आएगा और खेतों में से देखेगा नील गाय मिल जाए, सुअर मिल जाए, सियार, लोमड़ी, गीदड़, लकड़बग्घे, मतलब जो मिल जाए जानवर, इंसान मिल जाए, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो लग रहा है इंसान को भी खाता होगा वो, बट यही है कि अभी तक तो हमने जितना उसकी वीडियो देखी है और जो हड्डी वगैरह हमें दिखी है, इंसान की तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बट हाँ इंसान लोग डरते हैं क्योंकि लोग इस रोड जो रोड है ना उस पे कोई आना पसंद नहीं करता, आना पसंद नहीं करता। हम ट्राई करेंगे रात के पूरे में करना ही क्या, हम कार से उतरेंगे बट हम जाएंगे उस रोड पे जाके दिखाएंगे एक बार आपको रोड कैसा। तो बस यही है, अब हम वेट कर रहे हैं और अंधेरा हो जाए और शायद वो आदमपुर पहाड़ आ जाए और फिर देखते हैं क्या होता है, तो बने रहो वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो दूर दूर तक अब आप लोगों को इस खेतों में कोई भी नहीं नज़र आएगा सिवाय हम दोनों के, और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है। सच बताऊँ तो रात के काफ़ी देर हो चुकी है और ये रहा ओम, ये आ गया आदमखोर और हम गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। नीचे नहीं उतरे हैं, बस हम लोग ना इसके गेट खोल के उसके ऊपर खड़े हैं। आदमखोर वाले भैया कहाँ हो आप, आ नहीं रहे हो यार। 12 कितने बज गए? 12 बज रहे हैं, 12 से ऊपर का टाइम हो गया। हम वेट कर रहे हैं आदमखोर वाले भैया का। आदमखोर वाले भैया, एक अजीब सा क्रीपी साउंड सा है, बट जैसे पैरानॉर्मल जैसा टाइप होता है ना, बट वो है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है जैसे आदमखोर जैसा होता है ना कुछ। और बस यही है हमारा, हम बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से कि कुछ हमको दिखे, और देखते हैं जैसे हमको कुछ दिखता है, कुछ भी फील होता है तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं दोबारा से गाड़ी के अंदर। ये ना अभी लाइट ऑन कर, लाइट ऑन करना, पता नहीं कौन है, लाइट ऑन करना, दिख रहा है ये शायद आप लोगों को दिख रहा हो, चलो पर से हम चलो, ये स्क्रीन बंद करना, स्क्रीन कैमरा कहाँ कहाँ है दिखने का, ये अबे यार चला रहा है, कुछ जा रहा है, वही तो वो तो दे दे दे, देखो जूम कर, जूम कर पांडे, जूम कर, जूम कर, जूम कर, जूम कर, देखो जूम कर, जूम कर, अबे यार ये देख वाइट वाइट जा रहा है वो, देखो ना दूर पे कोई दिख रहा है आप लोग को शायद, जूम कर, जूम कर, जूम कर, बार बार ब्लर क्यों हो रहा है, ग्यूटी में, ग्यूटी में, ग्यूटी में, जल्दी जल्दी हम हमारी लगभग अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी के सामने से ऐसे कोई, मतलब जैसे मैं क्या बोलूँगा, वाइट कपड़े में था या वाइट धुआं टाइप था, क्या एनर्जी था, कुछ भी था, मैं समझ नहीं पाया इससे पहले कि मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा पाता। और वो चीज़ मैंने 2 बार कैमरा रीस्टार्ट किया बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके बाद ओम ने मेरे से हाथ से कैमरा ले लिया कि दिखा मैं फटाफट रिकॉर्ड करता हूँ, और उसने गेट ऑन करके मतलब गेट खोल के और मतलब इसके ऊपर खड़ा होके और ऐसे रिकॉर्ड करना चाहा, बट फिर भी नहीं हुआ, डोंट नो कि क्या था वो। सच बताऊं तो अभी तक हम जितनी भी पैरानॉर्मल जगह पर गए हैं और जहां मेरे को सबसे ज्यादा ऐसी एनर्जीज का खतरा रहा है, वहां पे हमारा अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कैमरा ब्लर होना शुरू हो जाता है और वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, डोंट नो उसके पीछे क्या रीज़न है, बट अभी भी हमारे साथ वही हुआ और हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, क्योंकि अभी हमारे अंदर तो सिर्फ एक आदमखोर का खतरा था बट ये जो चीज़ अभी हमारे सामने से गई है ना, सच में ये बहुत अजीब था और डर गए हैं दोनों। अभी तो बस रात के 1:30 बज रहे हैं, तो अभी हमारा ये हाल है, अभी हमें सुबह के लगभग 8:30 बजे तक यहाँ पर रुकना है, देखते हैं क्या होता है यार। रात भर सच बताऊँ मैं डर गया हूँ यार, वो पता नहीं क्या चीज़ थी यार,
आगे जाने के बाद गायब हो गई है वो अचानक, आगे गई उसके बाद दो तीन मतलब क्योंकि कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हुई बट जैसे हमने लाइट जला के देखना चाहना वो अचानक से गायब हो गई। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या होता है यार। चलिए वो मे बी हम यार मेरे को तो बस यही है अभी, हम बस जिंदा यहाँ से निकल जाएं और आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, बस यही है। कोई बोल किसी की चिल्लाने की आवाज आई थी अभी, जस्ट किसी के चिल्लाने की वॉइस आई है और फिर शांत हो गई है। हमें तो सीसा ऊपर कर ले, सीसा ऊपर कर ले, मच्छर आ गया बहुत सारा। अम्मी जस्ट ये चिल्लाने की वॉइस आई है और इतनी तेज थी कि हमारा शीशा बंद होने के बावजूद हमको सुनाई दे गई। और अरे अम्मी कोई है क्या? अरे हम यहीं पे हैं, कोई है तो आ जाओ। कोई है? बंद कर दे, बंद कर दे, गेट बंद कर दे। मच्छर एक मिनट रुको, मैं गाड़ी के ना ऑन कर देना। अरे मच्छर बाहर हो जाए बेटा। एक तो ये दिक्कत क्या है, मच्छर इतने ज्यादा है ना कि बहुत परेशान कर रहे हैं। और अभी और सच बताऊं तो उस जो चीज गई ना, मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। और अब मेरे को डेढ़ घंटे हो गए बैठे बैठे, डेढ़ घंटे हो गए, लगभग ढाई तीन बज रहे हैं और मेरे को ना नींद बहुत ज्यादा आ रही है। ये तो पूरा दिन सो लिया है बट मेरे को नींद आ रही है। तो इसने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, तू पीछे जाके सो जा और ये जगा हुआ है तो मैं जाके सोता हूँ। और अगर कोई देख भाई, अगर कोई दिक्कत होती है ना तो प्लीज मेरे को उठा दियो। तो रखते इतना बड़ा बहादुर नहीं है, मैं तेरे को उठाऊंगा ही। तो उठा दिया भाई फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जानकर इसके तेरे को ये बात अच्छे से मालूम है, यहाँ पे जानकर इसके। और कोई अगर कोई और कोई जगह होती तो मैं शायद ये बात नहीं बोलता। बट एक बात बट ना, सुबह यहाँ पे ना मतलब गर्मी थी, अब ना ठंडी सी लग रही है। हाँ यहाँ और समझ नहीं आ रहा कि हम एसी बंद करें, फैन ऑन करें, कभी तो पसीने आ रहे हैं और कभी ठंडी लग रही है। आई मैं जैकेट ने रखी हुई थी, हम फिर पहन ली, पहन ली इसने। तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और दोबारा से बोलो भाई जगा दियो अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। और चलता हूँ और कोई दिक्कत होगी तो फिर भाई है यहाँ पे। अमित, अमित 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 ओए ओए वीडियो ऊपर क्यों गिर रहा है तू मेरे? गाली मत बक, कोई है बाहर। ऊपर क्यों गिर रहा है तू? अबे मैं जान बच के नहीं गिरा। तो गाड़ी कोई धक्का दे, धक्का धक्का दे। अबे कोई ब्रांड नहीं, कोशिश कर रहा है यार, तू मजाक ले रहा है? कौन है? बाहर बाहर देख, कोई दिख रहा है क्या? तू मत सो यार, वैसे पहले कह रहा हूँ मत सो जग, मैं अकेले रहा हूँ, मैं सो जा रहा हूँ। मैं तू आ गया, बैठ जाओ, मत सो।
मैं सो रहा था एंड गाड़ी ना हिल रही थी, फिर मैं तेरे को जगा रही हूँ एंड मैं फिर सडनली तेरे ऊपर ही गिर गया। फाइनली उजाला हो गया है और सच बताऊँ मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ये उजाला देखने के बाद और ये रोशनी देखने के बाद। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को इतना दूसरा जीवन दान मिल गया है और कोई वर्ड नहीं है यार मेरे पास कहने के लिए। जितनी खतरनाक मेरी आज की रात बीती है ना, मेरा तो बस यही है। क्या कह रहे हैं तो जितनी खतरनाक यार रात बीती है ना, सच बताऊँ मेरा तो यही है। मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, दोबारा ये 24 आवर चैलेंज हम लोगों को प्लीज़ 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 मत देना यार, क्योंकि ये 24 आवर चैलेंज करने के चक्कर में ना हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। उजाला हो गया है, अच्छा लग रहा है और अब दोबारा से लोग आसपास में नज़र आ रहे हैं जो खेतों में काम करने वाले हैं और सच बताऊँ तो अब मेरे को सिर्फ इंतज़ार है कि 8 बजे और मैं फिर यहाँ से फटाफट निकलूँ और घर को जाऊँ और फिर तसल्ली से सो जाऊँ, क्योंकि रात भर जो मैंने जग के निकाली है ना अपनी रात, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे अगर मेरा चेहरा अपने स्क्रीन पर पहले मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और नींद में पता नहीं मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, कुछ से कुछ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।